घर के मतलब गली में पार्लर है, मेरे पीछे दिख रहा होगा, पर आधा शटर खुला है, पता नहीं खुला है या बंद है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ, मैं अकेली आई थी। दोस्तों हम आए यहाँ पे मछली लेने के लिए सानवी के पापा साथ। आपको पता है ये सानवी के पापा को मछली कितना ज़्यादा पसंद है। हमने ये वाला मछली लिया है और ये है दोस्तों सैल्मन फिश। इसका प्राइस मैं बता दूँ आपको 1100 या 1200 ऐसे ही बोले कुछ। वेलकम टू रिंकू अनिल व्लॉग्स। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नए व्लॉग में। दोस्तों तो आज हम दिखाएंगे आपको हम अपना दिनचर्या जो हमेशा दिखाते हैं, रोज दिखाते हैं, तो वैसे मुझे भी नहीं पता है आज मैं दिन भर क्या करने वाली हूँ, तो आप सब हमारे साथ रहिएगा और हम दिखाते रहेंगे आपको कि हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। और सानवी और बंटू अभी सो रहा है, दोनों सानवी नहीं सोई नहीं है, सानवी मोबाइल देख रही है, बंटू सो रहा है। सानवी क्या कर रही हो, ऐ पगली आ पगली सूत रहो, ठीक है, स्माइल कर लो। क्या हो बेटी, फिर से सूखे बंटू। हे दोस्तों, सनवी के पापा घर में ही है और मैं आई थी यहाँ पे पार्लर के लिए। देखिए हमारे घर के मतलब गली में पार्लर है, मेरे पीछे दिख रहा होगा, पर आधा शटर खुला है, पता नहीं खुला है या बंद है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ, मैं अकेली आई थी और मुझे फिर से घर घूम के जाना होगा, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इतना ज़्यादा धूप है, मैं क्या बताऊँ आपको, आपको तो पसीना दिख ही रहा होगा। शाम को मार्केट भी जाना है, मैं मतलब सोची थी कि मेरा यहाँ का काम ख़त्म हो जाए उसके बाद हम मार्केट चलेंगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। देखिए हम पार्लर के काम से आए थे पर हो नहीं पाया, अब चलिए हम घर चलते हैं, क्या करें यहाँ पे खड़े हो के अकेले। बंद ही जैसा लग रहा है क्योंकि अंदर से भी बंद है और शटर भी आधा से ज़्यादा गिरा हुआ है, इसीलिए अब निकल रही हूँ मैं, थोड़ा धूप कम हो जाए उसके बाद हम चलेंगे मार्केट। हमें आज मछली लेना है, आज संडे है तो सनवी के पापा बोल रहे थे कि मछली लेना है, चलिए हम चलते हैं अब घर के लिए निकलते हैं, क्या करें यहाँ पे खड़े होके अकेले पागल जैसे। हे दोस्तों, हम आए यहाँ पे मछली लेने के लिए सनवी के पापा साथ। आपको पता है ये सनवी के पापा को मछली कितना ज़्यादा पसंद है। हमने लिया है कटला मछली, कटला आज कितना दिन हो गया था ना खाए हुए, इसलिए आज संडे है तो बोले आज खा लो, आज छुट्टी है, नहीं तो दूसरा दिन तो मतलब ले रहे आराम करने का मन कर रहा है, थके हुए आते हैं इसीलिए, पर मैं नहीं खाऊंगी आज संडे है ना, संडे को नहीं खाती, आपको पता होगा। हमें अभी मार्केट में हमने ये वाला मछली लिया है और ये है दोस्तों सैल्मन फिश। इसका प्राइस मैं बता दूँ आपको 1100 या 1200 ऐसे ही बोले कुछ। और क्रैब देखिए कितना बड़ा है, हो गया। हमने ये मछली लिया है, कटला है ना, है दोस्तों हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और मैंने उधर वेज खाना भी बना के मम्मी जी को खिला दिया है, तो उसके बाद आई हूँ यहाँ पे फिश फ्राई करने के लिए। और आपको तो पता ही है सनवी के पापा को फिश कितना ज़्यादा पसंद है, तो अभी हो रहा है हमारा फिश फ्राई। और आज हम लिया था कटला मछली, तो हमने कढ़ाई में डाला, अभी फिश फ्राई हो ही रहा है, सनवी के पापा वेट कर रहे हैं उधर खाने के लिए, अभी मोबाइल चला रहे हैं, बहुत रात हो रहा है पता है आपको, सैंडी ना सो जाए उसके लिए उसे तब तक फ्राई खिला देती हूँ, कहीं सो गई तो खा ही नहीं पाएगी, फिर सुबह ही, और उसे वो झोल में झोल वाला नहीं नहीं खाती है, ग्रेवी वाला उसे फ्राई पसंद है, बंटू तो सो रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के मछली फ्राई कर रही हूँ। दोस्तों
खाना हमारा मछली बन चुका है। हाँ सैंडी के पापा खा रहे हैं। टाइम दिखा दो आपको कितना बज रहा है। 11:34। इतना रात हो चुका है आज, पता नहीं कैसे मतलब इतना जल्दी वक्त बीत जाता है। और सैंडी को चलिए हम खिला देते हैं। दोस्तों चलिए हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं आज। और मछली बनाते बनाते इतना रात हो गया है, तो मैं कपड़ा फिर से आगे चेंज की क्योंकि मुझे मतलब शॉर्ट्स बनाना था इसीलिए, पर वो भी नहीं हो पाया। 12 बज चुका है तो मैं कब बनाऊंगी और कब सोऊंगी, तो इसलिए अब कल बनाऊंगी शॉर्ट्स। तो चलिए हम वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे कल। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों हमें भी सपोर्ट करें। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।